कैसे आप सब वाला डूइंग वेल। तो गाइज एक्चुअली आज का जो व्लॉग है काफी इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है एंड मैं काफी ज्यादा मजा आ रहा हूँ क्योंकि गाइज आज है 3 घंटे का प्रोग्राम हलकरनी के अंदर एंड प्राइस मैंने भाई 1 लाख रुपए। तो भाई सोच लो कितना खतरनाक कॉम्पिटिशन होने वाला है। एक्चुअली मैं इंट्रो वहीं पे देने वाला था लेकिन वहाँ पे इंट्रो मैं नहीं दे पाया क्योंकि डीजे वीजे लगा रखा है इसके मैं बात नहीं कर पा रहा था। इसलिए यहाँ पे अमदान भाई के घर में आकर डीजे दे रहा हूँ। ये अमदान भाई की कार याद है गोलापुर गए थे वही वाली कार है। तो इस वक्त भाई बहुत ज्यादा मजा ना भाई खतरनाक भाई सजावट में बहुत से हो गया। मोटी सैनी की जेसीबी लगा रखी है उन लोगों ने, वो अपना चेन वाला जेसीबी लगा रखी है। देखा यार अभी तो कुछ नहीं बताऊंगा वहाँ लेके जाऊंगा वहाँ पे देख लो एक खतरनाक वाला सेटअप होने वाला है। काफी ज्यादा मजा ना वीडियो के अंदर एंड मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे डीजे चलता रहेगा 24/7। अगर थोड़ा मुझे कहीं पे मौका मिलता है मैं बात करके आपको ब्रीफ करता रहूंगा लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल सब कुछ देख के पता चल जाएगा कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप बिल्कुल मत करना भाई, बहुत तगड़ी वीडियो होने वाली है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो पसंद लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों जल्दी बढ़ते हैं। बैक तो गए जैसे मैंने कहा था प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है जितने हो सकते शॉर्ट्स में बोलने तरह ट्राई करूंगा मैक्सिमम ट्राई करूंगा। डीजे लगा तो मैं नहीं दे सकता लेकिन तभी एडजस्ट कर लो। जितने भी लोग आए उनको वेलकम किया जा रहा है और थोड़ी सी टाइम नेता जी पार्क करके कांग्रेस के टीम देखते हैं गाइस कैसे होने वाला है। काफी मजा आने वाला है। हम क्या कहना चाहोगे अभी देखने का मजा है। काफी लोग हमारे गाँव से काफी ज्यादा भीड़ हो चुके हैं एंड आपने देखा है काफी ज्यादा मजा आ रहा है। चलिए नेताजी पालकर राम मंदिर सराय करत आहे। अतिशय सुंदर आणि उत्कृष्ट नियोजन या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते। पांढऱ्या कलरच्या टी शर्टवर या ठिकाणी सराय होताना दिसत आहे। कार्यकर्ता या ठिकाणी अत्यंत शिस्तबद्ध आणि नेटके या ठिकाणी सराय करत आहेत। नेताजी पालकर राम मंदिर गडिंगला तिसरा पूर पूर्ण झालेला आहे। स्थानिक लोक बाजूला बाजू वा स्थानिक लोक तैयार होते डीजे बैंड अतिशय सुलभ नियोजन हा अंतिम कर सलामी अतिशय अप्रतिम अशी सलामी नेताजी पालकर राम मंदिर गडिंगला। उत्कृष्ट या ठिकाणी मनोरार असून सलामी दिलेली आहे।
जळगाव गोविंद पथक यांना विनंती आहे, आपण सलामी द्यायचं आहे आणि जोपर्यंत कार्यकर्ते सगळे खाली उतरत नाहीत तोपर्यंत फर्स्ट सलाम करने वाली है, सलामी देखते हैं फिर जाके शिवराय ग्रुप बड़गाव सलामी देने उपस्थित है। गोविंद पथक तीसरा मनोरास रस्ताना एलईडी फोकस बंद करा, व्हाइट फोकस चालू, व्हाइट फोकस चला, एलईडी बंद करा। हल्कनी जे गोविंद पथक सलामी देत आहे, हलकर्णीचा गोवंदा पथक या ठिकाणी सलामी देण्यासाठी मनोरा रचण्याचा प्रयत्न करत आहे। हलकर्णीची पुढच्या वर्षी सुद्धा तेच घेऊन जातील, सगळ्यांना प्रोत्साहन द्या, खेळाडूवृत्ती आहे। अपेक्षापेक्षा जास्त मला मी आमच्याकडनं बसू देऊ आणि जिंकणं यशस्वी होणं लई महत्वाचं असते, भारच लई महत्वाचं असते। अजून संपलेले नाही स्पर्धा, अजून संपलेली नाही, कारण आपण सरक सरक, हा चालू कर, पटकन कर, पटकन कर, सोडशील मोबाईल टॉर्च चालू करा, मोबाईल टॉर्च बंद करा, मोबाईल टॉर्च चालू करा।
पारने फेडणारे सर दत्तताई नेताजी पाटील यांच्या गाडीला अतिशय उत्तम खाली हाँ हस गया हाँ हस गया हस गया हस गया हस गया तू अपनी कमर की पेटी बांधो और वीडियो को एंजॉय करो साहसी खेल भारताने खेल ज्याच्या अंगामध्ये रक्त दंडंडा लागणारे रक्त आहे ते सुद्धा हे करू शकतात. नेताजी पालकरची सुंदर अशी चढाई चालू आहे. सर्वांनी टाया वाजवे टाया जोरात टाया जोपर्यंत हंडी पेटत नाही तसं टायाचं सगळ्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. नको हे फोडतेला मला असं पाहिजे. तू उभ्या धर सेट धर आणि दोन मिनिट सेट. हा असं धर असं धर ऐक मला सांगूले असं धर. डॉल्बी लाइट बंद करा वाजता जर डोळा प्रकाश करतो. ओके आपल्या हातामध्ये ताकद आहे मनगटामध्ये दम आहे. टाळ्या वाजवा टाळ्या वाजवा सर्वांनी टाळ्या वाजवा. कृपया जे टाळ्या वाजवत नाही त्यांना विनंती आहे की टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करा. टाळ्या वाजवा सर्व जोरदार टाळ्या वाजवा. सर्वांनी जोरदार असं टाळ्या वाजवून स्वागत करा नेताजी पालकर यांचा. सुंदराची बेरंटी पडलेली आहे नेताजी पालकर यांच्या सर्वांनी टाळ्या वाजवून कौतुक करावे टाळ्या वाजवून कौतुक करावे.